ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको इन तीन रंगों के कपड़ों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है और कई सारे ग्रह जो हैं वो रंगों से फ्लैक्चुएट भी होते हैं और कई सारी परेशानियां भी क्रिएट करते हैं, कई सारे पॉजिटिव परिणाम भी हमें देते हैं। कई बार मुझे ये भी आप कह सकते हैं कि रंगों से कुछ नहीं होता है, लेकिन इन चीज़ों को आप दरकिनार नहीं कर सकते। इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, न कि कोई नुकसान होगा। दरअसल बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कई बार हम कई सारे उपाय जतन करने के बाद भी चीज़ें सही नहीं हो पाती है, तो एक छोटी सी चीज़ जो है वो बहुत से कामों को रोक सकती है। दोस्तों, तो सबसे पहली बात है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, और अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, अपने जो भी प्रश्न उनका जवाब चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, उसका फीस लागू है। दोस्तों, आपको कौन सा कलर पसंद है ये जरूर मुझे कमेंट्स बताएं कि आपका सबसे फेवरेट कलर कौन सा है। दोस्तों, उससे ये चीज़ें पता लगेगी कि ज़्यादातर लोगों को कौन सा कलर पसंद है। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली बात है कि इस युग में राहु जो है और शनि, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को कलयुग में परेशानी क्रिएट करते हैं। अगर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो लोग बिल्कुल लाइफ में डिस्ट्रॉय आ जाता है, लाइफ में कई सारी परेशानी आ जाती है। और राहु की महादशा चल रही है तो राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जितना सारा डाटा है वो सब सिर्फ एक डाटा ही है, क्योंकि उस वो एक ब्लैंक है, ब्लैंक आप समझ भी नहीं सकते कितना भयानक है। इसलिए अगर किसी जातक को शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, शनि की 7.5 ही चल रही है, तो काले रंग के कपड़ों को जितना हो सके वो अवॉइड करें। बेशक आपका काला रंग फेवरेट हो सकता है, बाकी इस दरमियान आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। अगर आप उसे पहनते हैं तो उससे आपके पक्ष में बहुत सी चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं। अब आपके ऊपर आप माने या न माने, लेकिन मैं आपको ये एक सजेशन सही दे सकता हूँ। दूसरा है राहु। अगर राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो राहु को भड़कीले कपड़े पहनने से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो कोई भी कलर, लाल, हरा, नीला, पीला, भड़कीला कलर हो, जो एकदम लाल चटक कलर हो, ऐसे कलरों को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। अगर ऐसे कलर आप पहनते हैं तो उससे आपको राहु कई सारी परेशानियां क्रिएट कर सकता है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे जातकों के साथ हुआ है, इस प्रैक्टिकल के तौर पर आपको कह रहा हूँ, क्योंकि रंग जो है वो हमारे दिमाग में इमोशन को दर्शाते हैं, इसलिए, और राहु इमोशन पर बहुत हद तक उसका प्रभाव हमारे होता है। तो ये बात हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बनाए। तीसरा होता है कि अगर मंगल की महादशा चल रही है तो लाल कपड़ों से बचें, तो आप बच सकते हैं। और अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो।